हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मिस्टर्न फूड लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 43 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर आज के दिन स्टॉक में एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक के अंदर फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का सपोर्ट लेवल है 17 रुपए के प्राइस पर। 17 रुपए पर स्टॉक ने नीचे में एक सपोर्ट लेवल बनाएगा और यहां पर स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। दूसरी बार स्टॉक ने फिर से 17 रुपए के ही प्राइस को रिटेस्ट किया, यानी देखें तो 17 रुपए पर स्टॉक के अंदर एक डबल बॉटम बन चुका है और स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाइंग जोन है 17 रुपए के प्राइस पर। ऊपर में अगर हम स्टॉक में रुकावट रेंज की बात करें तो 18 रुपए 50 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे पर इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। दोनों बार स्टॉक में लगभग इसी प्राइस के पास से रिवर्सल ट्रेंड आता हुआ नजर आया। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर स्टॉक नीचे में अगर 17 रुपए के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 15 रुपए 65 पैसे पर है, यानी काफी नीचे है। और ऊपर में स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 18 रुपए 55 पैसे की प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 17 रुपए का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें, ऊपर के टारगेट 18 रुपए 55 पैसे शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ी तेजी आएगी तो स्टॉक ऊपर में 21 रुपए तक की तेजी दिखा सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।